रघु की गलतफहमी। धनक की दादागिरी। लहराया धनक का आंचल। रघु के दिल में हुई हलचल। ये क्या बदतमीजी है, मेरा दुपट्टा क्यों पकड़ रखा है? छोड़ो छोड़ो मेरे दुपट्टे को। अरे ऐसा कैसे? धनक मैडम, अपुन के माइंड में ना एक सॉलिड सवाल है। सवाल? कैसे सवाल? यही चीज, अपुन के होते हुए तुम किसी और लड़के से शादी कैसे कर सकती हो? हेलो मिस्टर, पहले तो मेरा दुपट्टा छोड़ो और दिन में ना सपने देखना बंद करो। हमारा गठबंधन कभी नहीं हो सकता। वैसे अपुन को सपने से याद आया कि हमारा एक प्यारा सा घर होएगा, 4-5 छोटे छोटे बच्चे होंगे और अपुन रोज शाम को ना अपुन की बाइक पर बैठकर जुहू चौपाटी जाएंगे। कैसा लगा मेरा आइडिया? एकदम बकवास, बोरिंग, बिल्कुल तुम्हारी तरह। ए धनक, सुना सुना मेरी बात तो सुन। जी हाँ, आज एक गलत फहमी के चक्कर में रघु बेकाबू हो गए हैं और धनक का रास्ता रोक के खड़े हैं। जाने दो, क्यों परेशान कर रहे हो? तो वही, जब वो दुपट्टा पकड़ लेता है, चलो ठीक है, हवा से अगर उड़ा भी तो पकड़ने की क्या जरूरत है, ऊपर से चीजी लाइंस। तो धनक के लिए जाओ, ऐसा है ना, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तो दुपट्टा छोड़ के वहां से चली जाती, कहती जाओ गिरो, उठो, जो करने करो। चलो इसी बहाने रघु के दिल का प्यार सामने तो आया। जनाब को फाइनली पता चल ही गया कि लड़के वाले धनक को नहीं बल्कि सेजल को देखने आए हैं। बहन को देखने कनाडा से लड़का आ रहा है और रघु को लगता है कि उनको ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है कि मेरे लिए आ रहे हैं और मैं रेडी हूँ शादी के लिए, और मुझे पता ही नहीं है कि उसको क्या पता चला है। तो आई एम चिल्ड आउट। आप तो यहाँ चिल है लेकिन वहाँ रघु की बत्ती गुल है। इसका मतलब रास्ता क्लियर है, लेकिन इस बार तो सेजल के लिए लड़के वाले आए हैं। अगला नंबर धनक का ही होगा। रघु बाबू, दिल पर काबू कीजिए और अपनी मोहब्बत का ऐलान कर ही दीजिए, कहीं देर ना हो जाए। नहीं मानती मैं शादी को, ये लो डिवोर्स। सबको लगा अब रघु राड़ा करेगा, लफड़ा करेगा, आज तक ब्यूरो पर ये बजारे। डिवोर्स पे लोग रोते हैं पर क्यों नाच रहा है रघु भाई?